पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ पदों के आरक्षण को लेकर आपत्तियां आना शुरू हो गई हैं। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने कोर्ट में आवेदन देकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। वहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 14 तारीख तय की गई है, मगर जनपद पंचायत व ग्राम पंचायतों के पदों के आरक्षण व चक्रानुक्रम को छोड़ दिया है। इन पदों पर 2014 के आरक्षण का पालन करने की बात कही जा रही है। इस आरक्षण प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उज्जैन नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र वशिष्ठ ने इस प्रक्रिया को संविधान का उल्लंघन बताते हुए कहा कि सरकार को विभिन्न पदों के आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करना था, मगर कुछ पदों पर प्रक्रिया का पालन नहीं किया। वहीं महिला और पुरुषों के पदों पर चक्रानुक्रम का पालन नहीं किया गया। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट की शरण ली है। बीजेपी सरकार 2014 के आरक्षण से चुनाव कराने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार द्वारा 2018 में कराए गए आरक्षण से चुनाव हो। उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि आरक्षण प्रति 5 वर्षों में होंगे, परिसीमन 10 वर्षों में होंगे और उन नियमों विधानों का उल्लंघन कर सरकार ताबड़तोब चुनाव कराना चाहती है। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अलावा आरक्षण का नियम, उसमें भी स्पष्ट प्रावधान लिखे हैं और 73वां संशोधन संविधान का 1992 का, उसमें भी स्पष्ट प्रावधान है, स्पष्ट निर्देश है कि आरक्षण होना चाहिए। एक बार जो चक्रानुक्रम पद्धति होती है उसमें एक बार पिछड़ा वर्ग को मौका मिला, फिर सामान्य वर्ग को मिलेगा, फिर महिला को मिलेगा, महिलाओं का आरक्षण गोटी से होता है। इस तरह के जो नियम बने हैं उन नियमों के सीधे सीधे उल्लंघन हैं, चाहे वो पंचायत राज अधिनियम 1923 हो, निर्वाचन नियम 1925 हो। और इसके अतिरिक्त कांग्रेस सरकार ने जो परिसीमन करके आरक्षण किया गया था उसको निरस्त करते हुए पूर्व वर्षों के आरक्षण को मान्य कर निर्वाचन की तारीख ताबड़तोब घोषित कर और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी। केवल आरक्षण नियम के अनुसार कर रहे हैं तो ये जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए कर रहे हैं, जनपद अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भी होना चाहिए, पंचायत के सरपंच की कुर्सी के लिए भी होना चाहिए, पंचों के लिए भी होना चाहिए। इस तरह से ये पूरी तरह से नियमों विधानों के विपरीत है और कांग्रेस पार्टी इसमें कोर्ट में गई है और निश्चित तौर पर कोर्ट में न्याय होगा ऐसी उम्मीद है।